सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे न्यायिक समीक्षा की। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को ऐसी विशिष्ट परियोजना मानने से इनकार कर दिया है जिसके लिए बृहत्तर या व्यापक न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय की भूमिका विधि की वैधता और सरकारी कार्यों सहित संवैधानिकता की जांच करने तक सीमित है। विकास का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है और राज्य के किसी भी अंग के विकास की प्रक्रिया को तब तक बाधक बनने की आशंका नहीं होती है जब तक कि सरकार कानून के अनुसार कार्य करती है। नई दिल्ली की सेंट्रल विस्टा परियोजना में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान के तर्ज पर अपनाया गया है। अब जानते हैं न्यायिक समीक्षा के बारे में। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। न्यायिक समीक्षा के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे सरकारी कार्यवाही को वैध मानना और सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना। न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना अर्थात इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 माना जाता है। न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार और पर्यवेक्षक की भूमिका में देखा जाता है। स्वतः संज्ञान के मामले और लोकहित याचिका लोकस स्टेडी के सिद्धांत को विराम देने के साथ ही न्यायपालिका को कई संवैधानिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है, उस स्थिति में भी जब पीड़ित पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई हो। जानते हैं न्यायिक समीक्षा के प्रकारों को। विधायी कार्यों की समीक्षा। इस समीक्षा का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि विधायिका द्वारा पारित कानून के मामले में संविधान के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा। ये प्रशासनिक एजेंसियों पर उनकी शक्तियां निर्वहन करते समय उन पर संवैधानिक अनुशासन लागू करने के लिए एक उपकरण है। न्यायिक निर्णयों की समीक्षा। इस समीक्षा का उपयोग न्यायपालिका द्वारा पिछले निर्णयों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने या उसे सही करने के लिए किया जाता है। आप समझते हैं न्यायिक समीक्षा के महत्व को। ये संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग की जांच करने के लिए आवश्यक है। ये लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये संविधान संतुलन बनाए रखता है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। ये अधिकारियों के अत्याचार को रोकता है। अब जानते हैं न्यायिक समीक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को। किसी भी कानून को अमान्य घोषित करने के लिए न्यायालयों को सशक्त बनाने संबंधी संविधान में कोई भी प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के तहत सरकार के प्रत्येक अंग पर कुछ निश्चित सीमाएं लागू की गई हैं, जिसके उल्लंघन से कानून शून्य हो जाता है। न्यायालय को यह तय करने का कार्य सौंपा गया है कि संविधान के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने संबंधी कुछ विशिष्ट प्रावधान। अनुच्छेद 13। यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षण और गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 131 और 136 सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तियों तथा राज्यों तथा संघों के बीच विवादों में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को उनके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने हेतु विशेष शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि संघ और राज्य कानूनों के बीच असंगतता के मामले में राज्य के कानून शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 246 राज्य सूची से संबंधित मामलों पर राज्य विधायिका की अनन्य शक्तियों को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 245 संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। अनुच्छेद 372 यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। अब जानते हैं आगे की राह को। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ ही न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। मौजूदा दौर में राज्य के बढ़ते कार्यों के साथ साथ प्रशासनिक निर्णय लेने और उन्हें निष्पादित करने की प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है।
जब न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के नाम पर संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों की अनदेखी करती है तो ये कहा जा सकता है कि न्यायपालिका संविधान में निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन कर रही है। कानून बनाना विधायिका का कार्य है जबकि कानून को सही ढंग से लागू करना कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है। इस तरह न्यायपालिका के पास केवल संवैधानिक और कानूनी व्याख्या का कार्य शेष रह जाता है। सरकार के इन रंगों के बीच स्पष्ट संतुलन ही संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखने में मददगार हो सकता है। एचई क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।